अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आपको अपने डेली की रूटीन में इसी तरह दिखाती रहूँगी। आप बस मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और आपको मैं बताती हूँ कि हमारी फैमिली में कौन कौन है। मेरी फैमिली में मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमने क्या बनाया, क्या खाया, और आपको अपनी फैमिली से भी मिलाएंगे दस्तरखान पे। तो वेट एंड वॉच। तो फाइनली हमारे नाश्ते का सामान हो गया है तैयार। ये मैंने चाय बनाने के लिए दूध वगैरह में पत्ती चीनी ये डाल लिए, और ये है घी, ये है रोटी। मैं आज पराठे इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरी कल की रोटी बच गई थी, तो मैंने कहा आज हम यही तल के खा लेंगे, तो इसलिए आज हम पराठे नहीं बना रहे, आज हम रोटी तल के खाएंगे कल की। और ये देखें, ये अंडा, अंडा तल लेंगे और सालन भी है, तो मैंने कहा अभी यही बना लेते हैं और यही तल लेते हैं जब रात की रखी हुई हैं, तो रिज़िक भी ज़ाया नहीं होगा इस तरह, इसलिए। तो चलें अब हम नाश्ता तैयार करते हैं। फाइनली हमारा नाश्ता हो गया था तैयार, तो मैंने कहा अपने फ्रेंड्स को भी दिखा दूँ। ये मैंने अपने लिए रोटी चूरी है, जो मुझे, मैं जब भी आलू का सालन या कोई भी शरबे वाला सालन बनाती हूँ तो मैं अपनी रोटी ज़रूर चूर लेती हूँ, तो मैंने अपनी रोटी चूर ली है। रात में जो हमारी रोटी बच गई थी वही मैंने तली है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो मैंने ये चूर ली है। मैंने अपने हस्बैंड के लिए आलू गोश्त निकाल दिया है, ये है अंडा, मिर्ची और नमक वाला, और ये चाय हमारी रेडी है। अब हम लोग करेंगे नाश्ता। पहले मैं आप लोगों को मिला देती हूँ अपने हस्बैंड से। तो फाइनली ये है मेरे हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। और ये है मेरी छोटी सी परी मेरी बेटी। आज तो मिलाऊं मैं वहां। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? कैसी हो? ठीक हो? और ये ना, जब तक नाश्ता नहीं करती हैं जब तक इनके आगे ये एलईडी ना चलाई हो, हमने ये यही देखते हैं, कोकोमेलन की पोयम्स वगैरह देखती हैं ये। तो अब हम नाश्ता करते हैं, फिर आपको नाश्ते के बाद मिलेंगे। फाइनली हमारा खाना, नाश्ता हो गया है ख़त्म, और अब देखते हैं हम दोपहर के खाने में क्या बनाएंगे। पहले मैं करूँगी अपने घर का काम और फिर दोपहर के खाने में देखते हैं, हस्बैंड से पूछूंगी कि क्या बनाना है दोपहर के खाने में, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि हम किस तरह से खाना बनाते हैं। उमेमा को नाश्ता करने के बाद मैंने उमेमा को सुला दिया था, और अब उमेमा देखें सो रही हैं, और अब मैं उमेमा के बाबा के निकालने जा रही हूँ कपड़े, क्योंकि आज जुम्मा है और इनको जुम्मा है तो इनको देने हैं कपड़े निकाल के। इस्त्री जो कि मैं प्रेस करके रखती हूँ कपड़े, तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े इसके बाबा के मैं यहाँ पे प्रेस करके रखती हूँ। ये उमेमा की फ्रॉक टंगी हुई है सिर्फ इसके बाबा के कपड़ों में, और मैंने आज वाइट सूट निकाल दिया है। इन्होंने मुझे कहा था कि आज मेरा सूट निकाल दिएगा वाइट, क्योंकि आज जुम्मा है, मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है, तो मैंने अभी इनका निकाल दिया है सूट, और अब हम इन उमेमा के बाबा को देंगे कपड़े, फिर देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा जब खाना बनाने लगेंगे। तो अभी उमेमा उठ चुके हैं और अब हम उमेमा को करेंगे तैयार, क्योंकि आज जुम्मा है और इसके पापा चले गए हैं तैयार होके नमाज़ पढ़ने, और उमेमा उठ गई हैं, बहुत ज़िद कर रही हैं ये, मम्मा मम्मा कर रही हैं ये, अपने बाबा के पीछे लग रही थी, तो वो नमाज़ पढ़ने गए थे। तो अब देखते हैं उमेमा तैयार होके कैसी लगती हैं। देखें उमेमा बहुत रो रही हैं, ये अपने बाबा के पीछे लग रही थी, और ये तैयार भी हो चुकी हैं, ये तैयार तो हो गई हैं बहुत रोने के बाद, और कह रही हैं मुझे अपने बाबा के साथ ही जाना है, बहुत ज़्यादा रो रही हैं ये। देखें गंदी बच्ची होती जा रही हैं उमेमा, और ये देख रही हैं मेरी मम्मा क्या कर रही हैं। 2 बज गए हैं और मेरे पास आ गए हैं मदरसे के बच्चे, और मैं इनका फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि पता नहीं इनके मम्मा पापा इजाज़त देंगे या नहीं,
तो इसलिए मैं बस आपको दिखा रही हूँ। मैं मदरसा भी पढ़ाती हूँ, तो 2 बजे से 3 बजे तक मैं मदरसा पढ़ाती हूँ। तो बच्चे आ गए हैं, आप लोग सबक पढ़ो। और अब ये लोग सबक पढ़ रहे हैं। उमेमा के बाबा आ गए थे और उमेमा गई थी बाहर और इसके बाबा ने दिए इसको हम लोग। और ये कभी किसी के साथ चली जाती हैं बाहर और कभी किसी के साथ। पूरी गली वाले आते हैं इसको लेने के, भाभी हमें दे दें थोड़ी देर, भाभी हमें दे दें। और ये भी इनको सामने वालों ने दिए हैं, इसके बाबा इसको गली में लेके खड़े हुए थे तो वो लेकर आए थे फ्रूट अपने घर के लिए, तो उन्होंने इसको भी दे दिए। ये देखें ये खा रही हैं हम लोग उमेमा। तो उमेमा के पापा आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के, तो अब मैं जाऊंगी उनके साथ बाज़ार, लेकर आएंगे टमाटर वगैरह और जो खाना है हमें सब्ज़ी में वो लेकर आएंगे। और ये देखें ये उमेमा मेरे को सुकून से बैठने नहीं देती, ये हमेशा ही उछल कूद इधर उधर घुसती ही रहती है। क्या बोल रही हो आप उमेमा? मम्मा के साथ जाना है आपको? मम्मा के साथ जाओगी? बाहर जाना है? अभी ये कुछ भी नहीं बोल रही। चलें फिर मैं आपको दिखाऊंगी मार्केट हम जब जाएंगे तो। फाइनली हम लोग जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं सब्जियां लेंगे और क्या लेते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं आप लोग। हमने टमाटर ले लिए हैं, हम लोग आ गए हैं मार्केट और हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं। और मेरे को सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या लूं, तो उमेमा बैठी है अपने बाबा के साथ बाइक पे। तो मुझे यहाँ पे समझ में आई है गोभी, और हमने आधा किलो गोभी ले लिए क्योंकि इतने अफराद नहीं है हमारे, तो इसलिए मैंने आधा किलो लिए गोभी। मुझे सही लगी गोभी तो इसलिए मैंने गोभी ले ली। पेट्रोल पम्प पे आए हैं हम पेट्रोल डलवाने, क्योंकि हम आए हुए थे बाहर, तो हमने सोचा क्यों ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी डलवा लिया जाए अपनी गाड़ी में। तो हमने कहा चलो पेट्रोल भी डलवा ही लेते हैं। उमेमा और उसके बाबा गए हैं बिरयानी लेने, हम लोग बाज़ार से आ रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना बिरयानी ले ली जाए, तो हम बिरयानी ले रहे हैं। वो रहे हैं उमेमा के बाबा, अगर आपको दिख रहे हो तो। और सामने उमेमा भी हैं, वो हम लोग ले रहे हैं बिरयानी। तो यहाँ पे हमने काट लिए गोभी और आलू, और यहाँ पे तैयार कर लिए हैं टमाटर भी हमने काट लिए थे। टमाटर में सारा सामान, मिर्चें, नमक, हल्दी हमने डाल ली, और तेल हमारा हो रहा है गरम कढ़ाई में। और अभी यहाँ पे हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरे का भंगार लगा के हम ये टमाटर इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह भुनाई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें गोभी और आलू। ज़ीरा हमने इसमें डाल दिया है, अब हम डालने लगे हैं इसमें टमाटर। अब इसको अच्छी तरह हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जब तक के मसाला अच्छी तरह भुनाई नहीं हो जाता तब तक के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। और अब ये मसाला भुनाई हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं इसका लुक। देखें हमने डाल दिए गोभी आलू को मसाले में, और मसाला अच्छी तरह हमारा भुन गया था। तो अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है गोभी को भी और आलू को भी मसाले में। अब जब ये गल जाएंगे गोभी और आलू तो फिर हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा खाना बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। फाइनली मेरी गोभी आलू हो गए हैं तैयार। मैंने कहा एक दफ़ा फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देते हैं कि बनने के बाद गोभी आलू कैसा लग रहा है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को गोभी आलू पसंद हैं। फाइनली मेरा रात का खाना हो गया था तैयार, तो आप बताइएगा मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा आप लोगों को। मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।